फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में आए दिन नए लोग आते रहते हैं और हर वो नया इंसान जब इंडस्ट्री में आता है तो एहसास होता है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है, बिकॉज अदरवाइज व्हाई वुड न्यू पीपल एंटर द इंडस्ट्री। और आज हमारे स्टूडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नए लोग हैं एक साथ। एक तो नए प्रोड्यूसर विनोद मेहता, दूसरे नए डायरेक्टर गौरव पंजवानी और तीसरे नए हीरो विशाल नायक। फ्रेंड्स, दे आर फ्रॉम द टीम ऑफ secondmarriage.com। लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। प्रोड्यूसर आप कैसे बने? आप एक पॉलिटिकल चैनल चलाते हैं, टेलीविजन चैनल चलाते हैं, तो प्रोडक्शन का शौक या फिल्मों का शौक कैसे हुआ? कोमल जी, मूवी बिजनेस में एंट्री करना मेरा पैशन और पुराना पैशन था। जिस दिन मैंने अपनी पहली कंपनी लॉन्च की टोटल टेलीफिल्म्स, उसी दिन से मेरे दिमाग में यह था कि 50% ऑफ द टोटल बजट हम न्यूज पे इन्वेस्ट करेंगे और 50% हम मूवीज में इन्वेस्ट करेंगे। मूवीज या एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट में, और उसमें मूवी मेरा प्राइम सब्जेक्ट था और मूवी को लेके मैं कन्विंस भी था कि आई हैव ए लॉट ऑफ आइडियाज जिन पे मैं प्रोफेशनल लोगों की हेल्प लेके उन आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मूवी को मैं समझता नहीं था या इस इंडस्ट्री को समझता नहीं था। और दूसरा, मुझे जैसे आपने कहा कि ब्राइट है, और मैं भी मानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि यंग इंडिया जो नई क्लास आ रही है उसके पास भारत में सीमित साधन है हमारे पास एंटरटेनमेंट के, और मूवी उसमें इस वक्त टॉप रेटिंग पे है। आपके पास मूवी के अलावा यूरोप में या दूसरे कंट्रीज में देखो तो काफी साधन है, डिस्कोथिक्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, यहाँ तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस है। तो लोगों के पास अगर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है तो वो मूवी है। तो मुझे ये तो कभी लगा ही नहीं कि ये घाटे का सौदा हो सकता है। मुझे ये जरूर था कि इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, यंग इंडिया के हिसाब से जो नई सोच के लोग हैं उनको देख के कोई सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा और उसको मूवी का स्टार कास्ट ठीक होना चाहिए, सब्जेक्ट से जेल करना चाहिए। यानी कि समटाइम लोग सोचते हैं कि बड़ा स्टार लाओ तभी मूवी सक्सेस होगी, सब्जेक्ट अच्छा हो और स्टार कास्ट उस सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता हो, उसका कंसर्न हो, उसको वो सब्जेक्ट पसंद हो। तो ये सब चीजें मेरे माइंड में थी। तो एक समय होता है किसी भी इंडस्ट्री में, आपके कुछ डेस्टिनी होती है कि आप कब एंट्री करेंगे। तो मुझे लगता है मैं 5 साल लेट हूं। मुझे 2007 से 2012 तक का जो कमर्शियली हाईली रेवेन्यू ओरिएंटेड पीरियड था उसको इन कैश करना चाहिए था। आई एम सो लेट। चलो, बेटर लेट देन नेवर। गौरव, आप कैसे आए इस इंडस्ट्री में? एंड सेकेंडली, ये secondmarriage.com टाइटल बड़ा अनयूजुअल है। कुछ थोड़े शब्दों में अगर बता दे कि ये फिल्म किस बारे में है। secondmarriage.com पिक्चर चार लोगों की है और इसमें दो प्रोटैगनिस्ट हैं हमारे कैरेक्टर्स, अक्षय और पूनम, जो अलग अलग। अक्षय यानी विशाल एंड दिस गर्ल शायनी गुप्ता, शी इज फ्रॉम FTII, सो जस्ट शी जस्ट पास्ड आउट। और उनकी मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी फेसबुक पे, सो बाय सीइंग दैट आई डिसाइडेड टू कास्ट हर। तो secondmarriage.com में अक्षय और पूनम अलग अलग सिटीज में रहते हैं, जयपुर में और दिल्ली में, विद देयर सिंगल पेरेंट्स। और ये दोनों की एज है टू गेट मैरिड, बट इनकी एक कंडीशंस हैं अपने मदर फादर से कि पहले आप शादी करो, देन ओनली वी गोइंग टू गेट मैरिड। उसके पीछे रीज़न ये था कि इन्होंने थ्रू आउट अपने पेरेंट्स को एक लोनलीनेस पीरियड में देखा है, एंड दे, ये दोनों कैरेक्टर्स एक ब्रोकन रिलेशनशिप से निकल के आए, दैट इज अ सब प्लॉट फ्रॉम द फिल्म। एंड दे रियलाइजेज एंड दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोनलीनेस इन देयर लाइफ। और क्योंकि ये सिंगल पेरेंटेड चिल्ड्रन हैं तो इनको मेच्योरिटी लेवल इनकी बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स वाई ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि आप पहले शादी करो उसके बाद हम शादी करेंगे। तो मैट्रिमोनी साइट्स पे ये लोग प्रोफाइल्स बनाते हैं, अब खुद ही प्रोफाइल्स बनाते हैं पेरेंट्स के बिहाफ पे, और सर्टेनली मिलते हैं और उसके बाद जैसे तैसे हुक एंड क्रोक बहुत कन्विंस करके अपने पेरेंट्स की शादी करवाते हैं। एंड स्टोरी टेक्स अ शार्प टर्न फ्रॉम देयर, और ये सब लोग अब एक फैमिली में है। इन चारों कैरेक्टर्स ने लव एंड द अफेक्शन ऑफ फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम देखा है, महसूस किया है। और उसके बाद जब ये लोग रहने लग जाते हैं, सो व्हाट इफ कि अब अक्षय पूनम जो बायोलॉजिकली ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, बट व्हाट इफ दे फॉल इन लव। सो इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, उसके बाद आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। जरूर, हम कहेंगे भी नहीं बताओ, बिकॉज डेफिनेटली विल बी गिविंग आउट योर क्लाइमैक्स। ऑफकोर्स। एंड व्हाट अबाउट यू यंग मैन?
Well, I think I'm quite lucky to work with these two great How did gentlemen. you come in touch with them? एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा गौरव और मेरे एक कॉमन फ्रेंड है एंड उसने कहा कि देयर इज अ न्यू टाइम डायरेक्टर और वो एक पिक्चर बनाना चाहता है तो व्हाई डोंट यू गो एंड मीट हिम. तो मैंने बोला ठीक है मैं मिलता हूँ. फिल्मों में काम करने का शौक था. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड आई हैव बीन डूइंग थिएटर फॉर अ व्हाइल. आई हैव बीन डूइंग डबिंग्स वॉइस ओवर्स एंड थोड़ा टेलीविजन काम भी किया हुआ है. तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट नेचुरल प्रोग्रेशन इज फिल्म. हर एक्टर चाहता है कि वो फिल्म में जाए और तरक्की करे. तो मैं गौरव से मिला. गौरव ने मुझे सब्जेक्ट सुनाया, कॉन्सेप्ट सुना. आई वॉज वेरी इंप्रेस. अच्छा लगा मुझे. और फिर 2 महीने के दौरान हमने बहुत बातचीत की. वी वर इन टच कॉन्स्टेंटली. वी आर टेकिंग फीडबैक एंड देन फिर फाइनली वी डिसाइडेड कि यू नो कि आई शुड डू दिस प्रोजेक्ट. एंड गौरव ने कहा कि आई थिंक यू फिट द रोल. एंड फिर हमने इस पर काम करना चालू किया. एंड ऑनेस्टली मैं तब तक विनोद सर से मिला नहीं था. विनोद सर को मैं दिल्ली में जाके शूट के दौरान मिला. बट देन शूटिंग के दौरान आई रियलाइज कि द टीम इज वेरी पैशनेट और सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग है कि मुझे फुल फेथ था कि ये पिक्चर जरूर कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के पहलू को टच करता है. क्योंकि क्या होता है कि मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस थी बिकॉज मेरे पिताजी मम्मी जी दोनों है. बट मेरे कई सारे फ्रेंड्स है जो है सिंगल पेरेंट्स. और जब मैंने उनको ये सुनाया कि यार व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सब्जेक्ट, उन्होंने कहा कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. क्योंकि हम सोचते नहीं अपने पेरेंट्स के बारे में. क्योंकि क्या होता है कई बार पेरेंट्स अपनी लाइफ या मभी डिवोर्स या यू नो आफ्टर एनी सर्टन प्रॉब्लम अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं. वो सोचते हैं कि अपने बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाए, दे गेट सेटल डन. बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ये होता है कि हम अपनी लाइफ के साथ क्या करें. तो अगर बच्चे इतने मेच्योर होकर डिसीजन लेते हैं कि चलो हम तो सेटल हो जाएंगे, लेकिन अगर उसके साथ हमारे पेरेंट्स दे ऑल्सो नीड समवन भी रीसेटल कर दें, रीसेटल कर दे, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग. एंड आई थिंक अगर ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है हमारी सोसाइटी को, जहां पे आई थिंक ऑलमोस्ट 5 to 10% पॉपुलेशन आर सिंगल पेरेंट्स, अगर ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ चेंज कर देता है, देन आई थिंक वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव. आप पॉलिटिक्स से हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल सही सवाल है कि इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स है या नहीं है. फिल्म इंडस्ट्री नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म है. लेकिन इंडिया के अगर आप मार्केट को किसी भी इंडस्ट्री को स्टडी करें, केवल मूवी नहीं, मोनोपोली इज एवरीवेयर एंड यू हैव टू ब्रेक द मोनोपोली. अगर आपको सक्सेस होना और आप न्यू कमर हो तो आपको मोनोपोली को समझना पड़ेगा, बिजनेस की चौसर को समझना पड़ेगा. हर बिजनेस के रूल्स होते हैं, चौसर होती है. अगर आप चौसर को समझ गए तो आपका प्रोडक्ट वीक भी ठीक प्लेस हो जाता है, और अगर आप चौसर को नहीं समझे तो आपका अच्छा प्रोडक्ट भी ठीक से प्लेस नहीं होता, और वही आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है. और वही एक रीजन होता है जिससे जिसकी वजह से 80% न्यू कमर एक ही बार बॉम्बे आते हैं, मुंबई में आते हैं, दूसरी बार नहीं आते, मुंबई छोड़ के वापस चले जाते हैं. दूसरी बार आएंगे तो वो न्यू कमर नहीं कहलाएंगे ना, आ चुके हैं, सेकंड टाइम आ रहे हैं. दूसरी बार उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा खट्टा होता है कि वो डेयर ही नहीं करते. 80% मैं कह रहा हूँ डेयर ही नहीं करते. विशाल, आप मुंबई से हैं कि बाहर से हैं? मैं मुंबई से हूँ. अच्छा, तो आप पर ये लागू होता ही नहीं है. बिल्कुल लागू नहीं होता. हाँ, बट बींग अ न्यू कमर ऐसे लगता है कि मतलब ऑब्वियसली मैं होप करता हूँ कि फिल्म सक्सेस हो जाए और कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी भी फिल्मों में चालू हो जाए. बट ये जैसे गौरव ने कहा, मुझे भी डर लगा रहता है क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट है और एक्सपेक्टेशंस काफी सारे. और एक बात अच्छी है कि बॉम्बे से होने से जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मुझे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. तो कहीं ना कहीं मुझे एक होप है एंड आई एम क्वाइट श्योर कि दिस विल वर्क इन आर फेवर. एंड गौरव, व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म? एक होता है ना, हर फिल्म की एक यूएसपी होती है. इस फिल्म की यूएसपी क्या है? आई थिंक यूएसपी ये है कि पिक्चर को देखकर अगर कोई भी सिंगल पेरेंट, विडोड, डिवोर्स्ड, कोई भी अगर ऐसा शख्स इस पिक्चर को देख के ही डिसाइड्स ओके आई विल मैरी अगेन, देन आई थिंक माय जॉब्स डन. ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, वन पर्सन. तो आई थिंक ये पिक्चर की यूएसपी है. द फिल्म टॉक्स अबाउट द इंटरनल हैप्पीनेस इन आवरसेल्व्स, जो पिक्चर का बहुत डीपली इनबिल्ट आइडिया है. इट्स ऑल अबाउट द इंटरनल हैप्पीनेस, टू फाइंड इंटरनल हैप्पीनेस इन वनसेल्व्स. सो आई थिंक ये यूएसपी है. और तो अब मुझे तो क्या है कि एक एक फ्रेम टू फ्रेम ही यूएसपी लगते हैं पिक्चर का. और विनोद जी, अब जब एक फिल्म बना ली है तो और फिल्में बनाने का? कोमल जी, इसके रिलीज के तुरंत बाद हम दूसरी शुरू कर दें. अच्छा, यू आर ऑलरेडी सेट टू स्टार्ट. इसके रिजल्ट जो भी हो, आपको पता है कि प्रोडक्ट अच्छा है. शुरू में कई बार लगता है, पहले दिन का शो अच्छा नहीं गया तो आपको लगा कि नहीं यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, स्टार्स लेने चाहिए थे. मुझे लग रहा है कि ये मूवी ग्रो करेगी. और मैरिजेस का जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट की एक यूएसपी और भी है. दो यूएसपी है. एक तो इसमें रिपीट
रिपीट नहीं है कुछ भी, जैसे ट्रेडिशनल मूवीज में काफी सब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं और लोग एक बार पीएनए देख के चले जाते हैं और बाद में कहते हैं मजा नहीं आया, ये चीज तो उस मूवी में भी थी, सेम है। इसमें कुछ भी नहीं, सब कुछ नया है, सब कुछ नया। एक दूसरा, रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसा है, उसके सोशल एड्रेस सिस्टम अलग है। मैरिजेस की और ब्रेकअप्स की प्रॉब्लम इंडिया में भी है, वो यूएस में भी है, वो यूके में भी है, बट यूके का जो एड्रेसिंग सिस्टम है कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें वो अलग है, यूएस का अलग है, इंडिया का अलग है। तो मुझे इसका ओवरसीज मार्केट काफी स्ट्रांग लग रहा है और उसको लेके फीडबैक भी है मेरे पास। कनाडा से काफी मैगजीन ने इसको कवर स्टोरी बनाया है, हमने कोई परस्यू नहीं किया, उन लोगों ने फेसबुक पे या जिस भी मीडियम से देखा कि इस तरह की इंडिया में एक मूवी आ रही है, तो दे अप्रोच दस कि इसके बारे में हमें बताओ क्या है। तो मुझे इसका ओवरसीज मार्केट काफी काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि बेसिक ये है कि मैरिजेज और रिलेशनशिप ब्रेकअप की प्रॉब्लम हर जगह है, सिस्टम उसको पकड़ने का, कैच करने का, सॉल्व करने का अलग अलग है। तो दैट इज व्हाई यू फील दैट इट हैज यूनिवर्सल अपील। यस, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने इसको लेके अभी लेटेस्ट एक सर्वे भी करवाया, तो यंगस्टर्स से जो फीडबैक आया है, एक अगर एक यंग की वैल्यू में एक फॉर्म की 500 का वैल्यू भी मानू तो 90,000 लोगों पर ये सर्वे हुआ है, उनमें से मेजोरिटी में 70% के आसपास लोगों ने कहा कि ये एक सोशल कॉज हो सकता है, ये मूवी सोशल क्रांति ला सकती है। और गौरव, आपके सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, आर यू ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट? और अभी आई एम वर्किंग ऑन टू स्क्रिप्ट। अगेन एन इशू बेस्ड फिल्म? No. One film is there, अभी उसको वो बहुत passionate हूँ मैं उसके लिए, that is a tribute to all the filmmakers, that's a story of how engineering students go and make a film. Okay. मतलब अभी आप I'm from Jaipur basically, so Jaipur में there are many colleges, so वहाँ पे जो engineering students हैं वो आ तो गए engineering में, लेकिन somewhere there इंटरेस्ट लाइज इन फिल्म मेकिंग। और पता है ये चीज आप इंडिया में काफी जाके कॉलेज में अगर सर्वे करोगे तो वहाँ पे बहुत है, बिकॉज मेनी यंगस्टर्स आर मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स। करेक्ट। तो उस पर एक कॉन्सेप्ट है, देन दिस इज वन कॉन्सेप्ट वो मैंने सर से डिस्कस भी किया था, दैट्स ऑन लिव इन रिलेशनशिप। इट्स मोर एक्सप्लोरेशन ऑन द लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप पे भी कोई सच खास फिल्म बनी नहीं है हमारे यहाँ पे, वेस्ट में तो काफी बनी है, बट वो अब जो बनी है उसको थोड़ा सा कॉमिक टच दिया है, but I want to give it a touch of romantic comedy but with something I want to add on flavors. तो उस पर है अभी ये दो projects पे अभी I'm passionate about, अभी I'm thinking, पर ये सब कुछ तभी possible हो सकता है on the basis on this film, now this has become my destiny, my future, my everything. So that's why I keep on asking people ki please hamari picture dekho, you won't be disappointed whether you are spending 200 300 rupees 400 rupees, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, दैट इज फॉर श्योर। डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि हमारी पिक्चर देख के आप लोग बहुत ज्यादा ठाके मार के हंसोगे, बट इंटरनली यू विल फील गुड, यू विल फील हैप्पी दैट यू सॉ अ फिल्म। या एंड दिस फिल्म विल रिमेन विद यू एटलीस्ट फॉर 2-3 डेज। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म ऑल्सो इज इसकी म्यूजिक बहुत अच्छी है, वेरी नाइस म्यूजिक। ऑब्वियसली देर आर टू न्यू कमर्स इन द म्यूजिक डायरेक्टर्स, बट जिस हिसाब से म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द एंटायर जो उन्होंने क्रिएट किया म्यूजिक इज वेरी नाइस। आई थिंक मुझे लग रहा है कि म्यूजिक बिफोर द फिल्म विल कैच ऑन विद द यंग ऑडियंस। Chalo, that can get them to the cinema. Absolutely, absolutely. Course, because music is a way where people relate to naturally. Immediately. और most in India में सारे लोग musical minded हैं, music को सुनकर वो तय करते हैं कि ये film देखनी है या नहीं देखनी है, आज देखनी है या बाद में देखनी है। Exactly, music की एक और बात है कि हमारी picture के अंदर around 8 songs we are having in the film, और 8 गाने जो हैं उनके सबके अलग अलग genres हैं। पंजाबी नंबर, देन देर इज जैज ब्लूज टाइप से गाना है, देन देर इज एक्यूस्टिक गिटार रोमांटिक नंबर, देन देर इज वेरी डार्क फ्रस्ट्रेटिंग नंबर, देन देर इज वेरी सेपरेशन स्लो मेलोडियस सॉन्ग, सारे टाइप। तो सारे टाइप्स के ट्रैक्स हैं जो जेल करते हैं स्टोरी में, एंड देर इज नो सॉन्ग की जिसपे एक्टर या एक्ट्रेस पिक्चराइज है, मतलब कोई लिपसिंग पे है, ऑल सॉन्ग्स आर इन द बैकग्राउंड, क्योंकि वो मुझे पर्सनली टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड, ऐसा कोई गाना नहीं है जो बीच में रोक रहा है फिल्म को, ऑल सॉन्ग्स आर टेकिंग द स्टोरी फर्दर। तो और क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच लगता है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मतलब एक्टर्स डांस कर रहे हैं और उस पर वो गाना गा रहे हैं, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, तो थोड़ा सा पिक्चर को सटल बनाए, और कॉन्सेप्ट भी ऐसा था कि इसको सटल बनाओ तो अच्छा, इट हैज टू गो विद द मूड ऑफ द, विद द मूड। और गौरव, मुझे आपकी बात सबसे जो अच्छी लगी वो ये है कि जो भी फिल्म देखेगा, चाहे वो 100 रुपए की टिकट खरीदे, 200 रुपए की टिकट खरीदे, उन्हें ऐसे लगेगा कि कुछ अच्छा देख के आए, एंड द फिल्म विल रिमेन विद देम। आई थिंक दैट इज व्हाट फाइनली मैटर्स एंड दैट इज व्हाट फाइनली कम्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, यस, विशिंग यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे विनोद मेहता जी,
विशाल नायक जी जो कि इस फिल्म के हीरो हैं, एंड गौरव पंजवानी जी जो कि secondmarriage.com के डायरेक्टर हैं। एंड जैसे गौरव ने कहा कि दिस फिल्म ऑफर्स समथिंग फॉर एवरी सेक्शन ऑफ द ऑडियंस, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, मल्टीप्लेक्स गोइंग ऑडियंस हो या सिंगल स्क्रीन सिनेमा ऑडियंस हो, आपके लिए secondmarriage.com में कुछ ना कुछ है विच विल रिमेन विद यू। आज के लिए बस इतना ही।